नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरु मंत्रा से। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न ध्यान विधि से और प्राणायाम के माध्यम से अपने मन में एक नया उत्साह व आनंद कैसे भर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे पांच कोश होते हैं, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मनुष्य के अंदर आनंद पाने की जो इच्छा है वो बहुत गहरी होती है और उसकी खोज में वो लगातार कुछ ना कुछ नए प्रयास करता रहता है। और उसका रीजन ये है कि हमारा जो सबसे ऊंचा कोश है आनंदमय कोश, वो आनंद का कोश है। तो जब तक हम आनंद के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक हमारा जीवन हमें व्यर्थ लगता है। और आनंद की खोज करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए, कुछ ध्यान से जुड़े हुए और कुछ ध्यान से अलग भी। उनमें से एक प्रयोग जो कई लोगों ने आनंद प्राप्त करने के लिए किया वो है साइकेडेलिक्स। तो साइकेडेलिक्स क्या होते हैं? अब साइकेडेलिक्स ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसको हम कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस ऑल्टरिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जैसे LSD है, मारिजुआना है, कैनाबिस है, आयाहुस्का है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिसको थोड़ी मात्रा में लेने से उनको दुनिया बिल्कुल अलग दिखने लगती है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में लोग ड्रग्स भी बोलते हैं। लेकिन ये सब क्यों लिया जाता है, आदमी क्यों इसके पीछे भागता है? बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जिसका इस्तेमाल बहुत प्राचीन समय से भी हो रहा है और आजकल भी लोग कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं जिनको अवैध बहुत बार माना जाता है, इलीगल माना जाता है। लेकिन एक बात कि ये आनंद आता कहाँ से, इन मॉलिक्यूल इन सब्सटेंसेस को यूज करने से लोगों को आनंद मिलता कैसे है? तो इस पर बहुत खोज हुई और एक अद्भुत बात सामने आई कि हमारे मस्तिष्क में आनंद प्राप्त करने के कुछ रिसेप्टर्स हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको एंडोर्फिन्स बोला जाता है, एनकैप्सुलेशंस बोला जाता है, जो ब्रेन खुद निर्माण करता है। आपको हैरानगी होगी कि एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम अभी जो दिया जा रहा है उसका नाम दिया जा रहा है अनंदामाइड। यानी कि अनंदामाइड मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पाने से हमारे ब्रेन में, हमारे मन में आनंद से भर जाते हैं हम, और ये हमारी बॉडी खुद निर्माण करती है। एक मॉलिक्यूल ऐसा पाया गया इन जितने भी साइकेडेलिक्स हैं जिसको बोला जाता है DMT, डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन। DMT का मॉलिक्यूल देखा गया कि जब थोड़ी मात्रा में भी हमारे ब्रेन के अंदर बढ़ता है तो हमें ऐसे अनुभव होने लगते हैं जैसे हम शरीर से बाहर हैं, ईश्वर के बहुत करीब हैं या हम एक अलग ही दुनिया में हैं। इस पर काफी रिसर्च हुई। DMT को मॉलिक्यूल ऑफ गॉड बोला जाता है। लेकिन ये तो हम बाहर से कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके अपने दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती है हमारे जीवन में जिसमें DMT मॉलिक्यूल का निर्माण शरीर खुद करता है। जैसे अगर हम लंबे समय तक अपने श्वास को रोकते हैं, बाह्य कुंभक या आंतरिक कुंभक, अगर हमारी श्वास प्रश्वास की जो गति है वो तेज होती है जिसको हम हाइपरवेंटिलेशन बोलते हैं, इन सब स्थिति में हमारे ब्रेन के अंदर DMT मॉलिक्यूल का रिलीज बढ़ जाता है। तो ये जब DMT मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है ब्रेन के अंदर तो आनंद का एक बहुत बड़ा अनुभव हमें होने लगता है। ये सब बातें हमने देखी। डॉक्टर स्टैनिस्लाव ग्रोव ने ये पाया कि होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, और ऐसे ब्रीदिंग को अगर हम लंबे समय तक करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा म्यूजिक के साथ, तो हम लोग हमारे ब्रेन के अंदर DMT का काफी तेज निर्माण होता है और लोगों को अद्भुत अनुभव होने लगते हैं, जैसे वो इस दुनिया से अलग हैं, ईश्वर से बातें कर रहे हैं, शरीर उनकी जो आत्मा है शरीर से बाहर है, ऐसे गहरे गहरे अनुभव उनको होने लगते हैं। इन सब चीजों को मध्य में रखते हुए एक ध्यान विधि का प्रयोग हमने किया है। उसमें आपकी जो ब्रीदिंग है उसको हम हाइपर वेंटिलेशन में लेके जाते हैं, यानी कुछ तेज करते हैं, जिसको हम साइकेडेलिक ब्रेथ बोलते हैं या फिर अल्कलाइजिंग ब्रेथ बोलते हैं, इसको शारे ब्रीदिंग भी बोला जाता है। ऐसी ब्रीदिंग को करने के बाद आपको आंतरिक एंड बाह्य कुंभक करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। अब एक बात, जब आप सांस को रोक रहे हैं हाइपर वेंटिलेशन के बाद, तेज श्वास प्रश्वास के बाद, तो कुछ बातों को समझना बड़ा जरूरी है। जब आप कुंभक कर रहे हैं, सांस रोकने को कुंभक भी बोलते हैं, तो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, मांसपेशियों को कड़ा ना करें, तनाव में ना लाएं। जितना आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ेंगे, मांसपेशियां आपकी रिलैक्स्ड होंगी, उतना गहरा आप एक डीप रिलैक्सेशन में जा पाएंगे, उतना ज्यादा मस्तिष्क आपका DMT का निर्माण कर पाएगा।
तो कुंभक करते समय अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, मांसपेशियों को तनाव में ना लाएं। इसका इंस्ट्रक्शन हमने दिया है। दूसरा, अपना ध्यान अधिक से अधिक कंठ चक्र पर रखें, क्योंकि कंठ चक्र हमें सहायता करता है हमारे कुंभक को बढ़ाने में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि इस विधि को करने से आपके मन के अंदर जो तनाव है वो बहुत जल्दी बाहर निकलने लगेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा और बहुत बार आपका मन आनंद से भरपूर होने लगेगा। इस विधि को करने के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा, आपको अपने कुंभक को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। जब आप इसको शुरू करें तो कोशिश करें कि खाली पेट इस विधि को करें और अपने कुंभक को धीरे धीरे यथाशक्ति बढ़ाएं। जब आपको लगे कि आप सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो आप सांस को छोड़ सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कुंभक दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक कुंभक, एक बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक का अर्थ हम सांस को अंदर रोकते हैं और बाह्य कुंभक मतलब सांस को हम बाहर रोकते हैं। जो कुंभक पूरक के बाद यानी इनहेलेशन के बाद सांस भरने के बाद किया जाता है उसको आंतरिक कुंभक बोला जाता है। आंतरिक कुंभक जब हम करते हैं तो हम अपनी चेतना को नाभि पर, हृदय पर या किसी एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। आंतरिक कुंभक हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके अंदर हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होती है और ये जो ऊर्जा है, गर्मी है, ये हमारी जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करने में काफी सहायक होता है। इसका अर्थ ये कि जो इंटरनल कुंभक है वो हमारे चैनल्स को, एनर्जी चैनल्स को, साइकिक चैनल्स को खोलने में काफी सहायक होता है। अगर हम एक्सटर्नल कुंभक की बात करें, बाह्य कुंभक की बात करें, तो ये सांस बाहर निकाल कर रेचक के बाद हम इस कुंभक को करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक्सटर्नल कुंभक देखा जाए तो हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए ज्यादा रिलैक्सिंग होता है, क्योंकि आपने पूरा सांस बाहर निकाल कर एक रिक्त स्थान का निर्माण किया। दूसरा, बाह्य कुंभक आपके शरीर में एक वैक्यूम क्रिएट करता है। जब हम वैक्यूम क्रिएट करता है तो जो ऊर्जा का निर्माण आपने आंतरिक कुंभक से किया था उस ऊर्जा को उस स्थान पर हम खींच सकते हैं बाह्य कुंभक से। तो बाह्य कुंभक एक मैग्नेट की तरह होता है जो आपके शरीर की ऊर्जा को जहां आप भेजना चाहें वहां भेज सकते हैं। आंतरिक कुंभक ऊर्जा का निर्माण करता है और बाह्य कुंभक एक मैग्नेट की तरह उस ऊर्जा को जहां आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, जहां भेजना चाहते हैं उसको भेज सकते हैं। एक चीज और, एक्सटर्नल ब्रेथ होल्डिंग जिसको बाह्य कुंभक बोलते हैं, उसके कुछ अद्भुत फायदे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे बड़ा फायदा बाह्य कुंभक का है कि जब हम बाह्य कुंभक करते हैं, एक्सटर्नल ब्रेथ होल्डिंग करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी हाई एल्टीट्यूड्स में जब हम पहाड़ों पे जाते हैं उसके अंदर अडैप्ट करने की जो हमारी फैसिलिटी, हमारी जो कैपेसिटी है लंग्स की, वो बढ़ने लगती है। यानी हम हायर एल्टीट्यूड में जाके बहुत जल्दी एक्लेमेटाइज हो सकते हैं। पहाड़ों में जैसे लद्दाख है या उसके ऊपर है, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, वहाँ पर जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आप अगर वहाँ जाते हैं तो एज अ टूरिस्ट आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ आपको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, आप अडैप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बाह्य कुंभक को लगातार अपने प्रयोग में ला रहे हैं तो आप हाई अल्टीट्यूड में आप आराम से अडैप्ट कर सकते हैं। एक और बात, जब बाह्य कुंभक में जाते हैं तो कुछ समय के लिए आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन का स्तर है वो कम होने लगता है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है, इसको हम इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। यानी कुछ समय के लिए ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रसायन सिक्रीट होते हैं, बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं और इस सब के अंदर जो हमारे बॉडी के स्टेम सेल्स हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं। आप देखिए, जब एक शिशु गर्भ में होता है उस समय ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में काफ़ी कम होता है कंपेयर टू जब वो बालक बाहर आ जाता है और हवा, सांस में हवा मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेता है, नॉर्मल ब्रीदिंग करता है। तो आप देखिए उनके उस समय ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। तो इन द वूम, इन द यूट्रस जो शिशु को ऑक्सीजन मिलता है वो बहुत कम होता है। उस समय स्टेम सेल्स का जो लेवल है वो सबसे अधिक होता है। स्टेम सेल्स सबसे अधिक होते हैं व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम, इन द यूट्रस। बाहर आने के बाद स्टेम सेल का लेवल कम होने लगता है। तो जब हम एक्सटर्नल कुंभक करते हैं, बाहर सांस को रोकते हैं, तो हमारे सारे स्टेम सेल्स एक्टिवेट होने लगते हैं।
यानी कि आपको दोबारा से पुनः नव जीवन प्राप्त कर सकता है। इट कैन रिजुविनेट यू, इट कैन रीएनर्जाइज यू, इट कैन मेक यू यंग अगेन। तो एक्सटर्नल कुंभक आपकी बॉडी के लिए काफी हीलिंग हो सकता है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके बाकी पूरे शरीर के लिए नए स्टेम सेल्स का निर्माण होता है और नए नए चीजों का निर्माण होता है शरीर के अंदर। आपका शरीर लंबे समय तक दीर्घ आयु रिजुविनेटेड रह सकता है, इसको हमको समझना है। तो इन दोनों कुंभक का इस्तेमाल हम साइकेडेलिक ब्रेथ में करते हैं। साइकेडेलिक ब्रेथ का प्रैक्टिस करने के लिए उसका लिंक हमने नीचे शेयर किया है और इस वीडियो के ऊपर भी दिया है, उस लिंक को आप फॉलो करें और उस विधि को आप कुछ दिन प्रयोग में लाएं। उसके बाद आपको कैसा लगता है आप हमसे जरूर शेयर करें, आपके फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम समझ पाएंगे इससे आपको कितना फायदा हो रहा है। धन्यवाद।